भागदौड़ भरी जिंदगी में आम दिनों में पूरे परिवार के साथ समय बिताने का कम ही मौका मिलता है, लेकिन लॉकडाउन ने लोगों को परिजनों के बीच ही मौजूद इस दूरी को मिटाने का भरपूर मौका दिया है। कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला का ये परिवार भी इस समय का भरपूर फायदा उठाकर बड़े बुजुर्गों, बच्चों और अन्य सदस्यों के साथ समय बिता रहे हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में इस परिवार के लोगों ने अपने विचार साझा किए। जो भी गाइडलाइन जो हमें प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उसकी गाइडलाइन से हम अपना काम कर रहे हैं और घर में रह के हम काफी व्यस्त हो गए हैं। जैसे कि है कि बच्चों के साथ होमवर्क करवा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, जैसे भी हमें समय मिलता है, लेकिन घर में बैठ के हम बहुत ही खुश हैं। पहले बच्चों से हम मार्केट का खाना खाते थे, जंक फूड जो भी मटेरियल बाहर मार्केट से लेके आते थे हम खाने के, अब सब कुछ हम घर में बना रहे हैं। सब कुछ जलेबी क्या जो बच्चे डिमांड करें हम घर पे बना रहे हैं। काफ़ी अच्छा टाइम व्यतीत हो रहा है। हमारे हस्बैंड भी खुद हमारी हेल्प करते हैं घर में, हमको अपने बड़ों की माता पिता की सेवा करने को टाइम मिल जा रहा है, बच्चों की देखभाल अच्छी हो रही है। अब कोरोना की वजह से भी घर पे समय व्यतीत हो रहा है सारा हमारा, जितना भी काम हम घर पे ही कर रहे हैं। ऑनलाइन ही हो रहा है मेरा पूरा काम आजकल, ड्राइंग बनाना, किचन की मॉडल किचन की ड्राइंग बनाना वगैरह सब घर से हो रहा है हमारा काम। बाकी बच्चों के साथ खेलना, कैरम, अपने डेली की रूटीन जो भी है हम घर से कर रहे हैं, और सरकार ने जो हमें गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक काम हो रहा है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई क्योंकि ऐसे हैबिचुअल नहीं है 24 आवर्स घर पे रहने के लिए, लेकिन अब हम लोग फैमिली साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, भाई के साथ खेल रहे हैं, मम्मा के साथ कुकिंग कर रहे हैं, पापा के साथ न्यूज़ सुन रहे हैं घर पे बैठ के, साइकिलिंग कर कर, लूडो खेल कर, चेस खेल कर, कैरम बोर्ड खेल कर हमारा टाइम बिता रहे हैं। धर्मशाला के ही वार्ड नंबर 10 की निवासी मधुरपाल का कहना है कि उनका परिवार दूरदर्शन पर प्रसारित किए जा रहे धार्मिक धारावाहिकों को एक साथ देख रहे हैं और इससे बच्चों में अच्छे संस्कार भी आ रहे हैं। आजकल लॉकडाउन की स्थिति है तो हम घर से ही अपना स्कूल का भी काम कर रहे हैं, बच्चों को भी ऑनलाइन होमवर्क आ रहा है तो इनको भी हम पढ़ा रहे हैं और इनके साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं। हम कभी बच्चे बोलते हैं हमें गेम्स भी खेलनी है, फिर कभी कुछ डिशेस की भी फरमाइश करते हैं तो उनको भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में टीवी वगैरह देख लेते हैं हम, महाभारत स्टार्ट हुई है, रामायण आती है तो बच्चों के साथ बैठ के देख रहे हैं। हमारे भी पहले भी देखे हुए हमने तो बच्चों को भी अपने संस्कारों के बारे में बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति में कैसे, हमारा पास्ट कैसा था। बस बच्चों के साथ और बेटे बहुओं के साथ अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, माँ बात देख लेते हैं, रामायण देख लेते हैं। पहले जैसे था कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे घर में, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे घर में, अब दिन भर घर में रहने के कारण जो है फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, बच्चों के साथ समय व्यतीत कर पा रहे हैं। टीवी पे कुछ आजकल जो ये माइथोलॉजिकल ये अपने धारावाहिक चालू किए हैं, रामायण महाभारत, इसको देख के अपना टाइम पास कर रहे हैं। सरकार जैसे जैसे निर्देश दे रही है वैसे वैसे हम इनका पालन कर रहे हैं। धर्मशाला के दूरदराज क्षेत्र में लोग सूझबूझ दिखाकर लॉकडाउन का पालन करके कोरोना वायरस के खिलाफ इस युद्ध में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, जो प्रदेश के लिए शुभ संकेत हैं। धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट के साथ तारिक रात, डीडी न्यूज़ शिमला।